नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम काफ़ी ज़्यादा रूपिंग में काम करते हैं, तो फिर एक कोल्हापुर की साइट है जो कि महाराष्ट्र में आता है, और वहाँ पे मैंगलोर रूफ टाइल का पहले रूफ था, और वहाँ पे उनको दिक्कत दो थी। एक तो पहली बात है कि लीकेज वहाँ पे हो रहा था, और दूसरी और एक दिक्कत थी कि उसके उनके बहुत ही करीब एक शुगर फैक्ट्री थी, तो उसके जो ब्लैक कुछ धुआं वगैरह रहता है या फिर ब्लैक कुछ कचरा रहता है, तो फिर वो घर के अंदर जा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने हमारे साथ कंसल्ट किया और हमने उनको कुछ सलाह दी थी कि वहाँ पे मेम्ब्रेन लगा के उसके ऊपर मिनरल रूफ टाइल लगाने के लिए। तो फिर आज हम जाके देखेंगे कि हम मैंगलोर रूफ टाइल निकाल के मिनरल रूफ टाइल उसी स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलते हैं हम डायरेक्टली अभी साइट पर। फाइनली हम यहाँ पे साइट पे पहुँच चुके हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी जो मैंगलोर ओल्ड टाइल था वो रिमूव किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे घर की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। जितने भी मैंगलोर टाइल है वो पहले निकालने जरूरी है, उसके बाद हम मिनरल टाइल बिठा सकते हैं, और साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। मतलब पहले मैंगलोर टाइल की एक 5-6 लाइन निकाले और उसके बाद हम मिनरल टाइल लगा सकते हैं मेम्ब्रेन वगैरह डाल के। तो फिर अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसे ही काम चल रहा है, मैंगलोर टाइल भी निकाल रहे हैं, और सामने से ये देख सकते हैं आप पहले जो मेम्ब्रेन है वो हॉरिजेंटल लगा के लिया है, और जो पहली एक लाइन है उसको स्क्रू भी किया गया है प्रॉपर तरीके से, ताकि हवा से जो रूफ़ है वो उड़ने के कोई चांसेस रहेंगे नहीं आगे जाके। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बार जब मैंगलोर टाइल लगाते हैं तो फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो दीवार का जो हिस्सा रहता है वो थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, तो फिर वहाँ पे मिनरल टाइल कभी बैठती नहीं है, तो फिर कभी कभी ये तोड़ के लेना पड़ता है। कभी कभी बोलने से अच्छा है कि मैं बोलूँगा कि हर वक्त यहाँ पर दिक्कत होती है, जहाँ जहाँ पर भी दीवार आ गई है और ऊपर टच हो गई वहाँ पर, तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप देख सकते हैं आप एक साइड में हम मिनरल टाइल लगा रहे हैं, और दूसरी साइड है अभी भी मैंगलोर टाइल है जो ओल्ड टाइल है। अभी यहाँ पे हमने दोनों साइड में ये मिनरल टाइल लगा लिए, ये देख सकते हैं आप काफ़ी बढ़िया तरीके से उसका इंस्टॉलेशन हुआ है। जितनी भी टाइल लगाई है वो ब्रेक जॉइंट में लगाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बीच का ही हिस्सा था जहाँ पे थोड़ा मोर्टर भरना ज़रूरी था, क्योंकि पहले की कंप्लेंट थी कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चूहे जाके रहते हैं, तो फिर ये हमने पहले से ही मोर्टर में पूरा भर के ले लिया, ताकि आगे जाके चूहे जाने के कोई चांसेस रहेंगे नहीं। ऊपर से हमने फिर से मेम्ब्रेन डाल के उसको कवर भी कर दिया, ताकि पानी लीकेज होने के भी वहाँ से कोई चांसेस रहेंगे नहीं इसलिए। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो मैंगलोर रूफ टाइल का जो स्ट्रक्चर था उसी स्ट्रक्चर के ऊपर ये काम हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि मैंगलोर टाइल का जो स्ट्रक्चर होता है और मिनरल रूफ टाइल का स्ट्रक्चर होता है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इजीली यहाँ पे मिनरल रूफ टाइल लगा सकते हैं। थोड़ा सा ओवरलैपिंग उसमें ज़्यादा होता है, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होती है, देख सकते हैं आप काफ़ी बढ़िया तरीके से इंस्टॉलेशन हुआ है। ये अगर हम नीचे से थोड़ा सा देख लेते हैं तो फिर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने रीच बार ये सब कुछ चीज़ें कंप्लीट की है, ये देखिए एक दो जगह पे हमने छोटा छोटा गटर भी लगाया है जहाँ पे उनको पानी की दिक्कत थी, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और काफ़ी खूबसूरत हो गया ये। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था मिनरल रूफ टाइल के जगह पर हमने मिनरल रूफ टाइल रीइंस्टॉल की है या फिर रिप्लेसमेंट की है हम बोल सकते हैं, और वो भी पुराने स्ट्रक्चर पे जो कि मैंगलोर रूफ टाइल का ही स्ट्रक्चर था, और उस पर हमने कोई चेंजेस नहीं किए, उसके ऊपर डायरेक्टली हमने वहाँ पे रिप्लेसमेंट की दिए। फ्रेंड्स, ये अगर आपका वीडियो ये हमारा वीडियो अगर आपको किसी काम का हो जाए तो फिर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो एक्चुअली कैसे लगा है आपको, और उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, या फिर और उसमें बेहतर कैसे बना सकते हैं, या फिर एक्चुअली है कैसा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप चैनल पे नए हो तो, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियो रूफिंग से रिलेटेड हमेशा आपको मिलते रहेंगे। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूफिंग के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद फ्रेंड्स।